हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और गाइस, एक बार फिर से मैं आपको पटना में बन रहे जीरो माइल से लेकर हाजीपुर तक न्यू गांधी सेतु ब्रिज जो बनाए जा रहे हैं उसका आज आपको अपडेट दिखाने वाला हूं। और गाइस, इससे पहले मैंने आपको जीरो माइल से लेकर गाय घाट तक इसके चल रहे काम को दिखाया था, लेकिन इस बार मैं आपको इस ओल्ड गांधी सेतु के ऊपर से इसके काम को दिखाने वाला हूँ कि कहाँ तक इसके काम को पूरा कर लिया गया है और जो गडर लॉन्चिंग का काम चल रहा है वो अभी कहाँ तक पहुँचा है। तो गाइज, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ ये काम हो रहा है। तो गाइज, ये रहा वो पार्ट जहाँ पर अभी गडर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर आई गडर रखने का काम किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि ये पिलर नंबर 23-24 पर ये लॉन्च किया जा रहा है। और यहाँ से आगे आपको कई सारे ऐसे पिलर देखने को मिलेंगे जिन पर आई गडर लॉन्च कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर लगातार आगे तक ये काम पूरा कर लिया गया है। वैसे इस न्यू गांधी सेतु ब्रिज के बारे में बात करूँ तो ये जो ब्रिज है ये पुराने वाले गांधी सेतु से काफ़ी अलग होगा। एक्चुअली ये जो न्यू गांधी सेतु ब्रिज है ये एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज का बना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यू गांधी सेतु ब्रिज बनाए जा रहे हैं ये पुराने वाले गांधी सेतु से काफ़ी लंबा होने वाला है। और इसके अप्रोच रोड का काम आप मेरे पिछली वीडियो में जीरो माइल से लेकर गाय घाट तक तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं। और इसके अप्रोच रोड और ब्रिज की जो हाइट होगी वो पुराने वाले गांधी सेतु से ज़्यादा देखने को मिलेगी। वैसे आप यहाँ देख ही सकते हैं, ये जो पुराने वाले गांधी सेतु है इससे इसकी हाइट थोड़ी ऊपर है। और ये जो न्यू गांधी सेतु है इसकी टोटल लेंथ 14.5 किलोमीटर की होगी। तो गाइज, अगर मैं आपको यहाँ इसके काम के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काम काफ़ी तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। यहाँ इस आई गडर के ऊपर जो स्लैब को ढालने का काम था उसे पूरा कर लिया गया है। और इसके आप साइड बैरियर के काम को भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो आप ये आई गडर देख रहे हैं ये पिलर नंबर 23 से लेकर आगे करीब 15-20 ऐसे पिलर है जिन पर ये लॉन्च कर दिया गया है। आइए मैं आपको उसे भी दिखा देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यू आपको ये आई गडर लॉन्चिंग का काम आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके ऊपर जो स्लैब है उसे ढालने का काम भी कर दिया गया है। आगे मैं आपको इसे भी दिखाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिलर नंबर 23 से इसका काम अभी स्टार्ट है। और ये जो आई गडर है ये पिलर नंबर 23 से लेकर पिलर नंबर 40 तक इसे लॉन्च कर दिया गया है। और गाइस, पिलर नंबर 41 से लेकर पिलर नंबर 43 तक इसके ऊपर आई गडर लॉन्च कर दिया गया है और बस उसके ऊपर स्लैब ढालने का काम चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं पिलर नंबर 39 से 41 के बीच आपको ये आई गडर लॉन्च करने का काम देखने को मिल जाएगा। वैसे यहाँ आई गडर लॉन्च तो कर दिए गए हैं, अब इसके ऊपर स्लैब को ढालने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइज, यहाँ पिलर नंबर 43 से आगे भी आपको एक एक आई गडर इन पिलरों पर रखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और सामने यहाँ आप एक मंदिर भी देख सकते हैं जिसके ठीक ऊपर भी एक गडर आपको रखा हुआ देखने को मिल रहा होगा। वैसे गाइज, आपको मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को सिंगला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा रही है और इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2,950 करोड़ रुपए खर्च होने हैं जिसे सितंबर 2024 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। और गाइज, इसे कंप्लीट होने के बाद अगले 10 सालों तक इसके मेंटेनेंस का ध्यान भी इसी कंपनी को रखना है। तो गाइज, चलिए आगे गाय घाट के पास भी अभी क्या कुछ काम चल रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। और गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं सामने नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट के कैंपस से होते हुए ये पिलर इधर गाय घाट के तरफ आ रहा है। और यहाँ भी आप एक पिलर के काम को होता हुआ देख सकते हैं। और
और इधर ये ब्रिज गंगा नदी से होते हुए हाजीपुर की तरफ चला जाएगा। तो गाइस गायघाट के पास गंगा नदी के अंदर ये तीन पिलर हैं जिनका काम अभी आप होता हुआ देख रहे हैं, और गाइस इसके आगे की अपडेट मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं गाइस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे इस न्यू गानी सेतु के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।